तो माहिद साहब, ये अभी जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा की मैंने मिसाल दी, अभी रिसेंटली वो फर्स्ट वज़ीर आला अपॉइंट हुई हैं, इससे पहले हमने स्पीकर कौमी असम्बली भी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को बनते देखा। तो जब ये इस तरह की कोई किसी पोजीशन पर कोई तैनाती होती है तो हमारे लिए भी हैरान कन होता है कि देखें जी एक खातून को बना दिया। तो ये माइंड सेट क्यों है कि किसी खातून को अगर कोई लीडरशिप रोल दे दिया जाए या दे दिया गया हो तो उस पर ये सोसाइटी का ये बिहेवियर, ये जो रिएक्शन है, क्यों सामने आता है? आई थिंक औरतें जो होती हैं वो ईजी टारगेट्स होती हैं और हमेशा जो है कैरेक्टर असैसिनेशन औरत का करना बहुत आसान है। इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सिर्फ हम पॉलिटिक्स में ही देखते हैं, हम घरों में भी देखते हैं और पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये चीज़ें जो हैं और इसके बारे में आई थिंक वी नीड टू स्पीक आउट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मुझे मेरे इर्द गिर्द ऐसी कोई बात हो तो मैं हमेशा उसको पॉइंट आउट करती हूँ, चाहे मेरे दोस्त ही हों जो कह रहे हों। बहुत दफ़ा उनको पसंद नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब क्लीक्स में रहते हैं और हम लोग अपने सर्कल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी और तबके के लोगों ने कुछ कहा हो, कुछ किया हो, तो वी आर वेरी क्विक टू कंडेम। लेकिन जब हमारे ही लोगों में, जैसे एज इन हमारे जो सोशल सर्कल्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, वो लोग इस तरह से करते हैं, हम लोग कतराते हैं, हम बोल नहीं पाते। एंड आई थिंक दिस इज़ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस विच वी नीड टू स्पीक अप अबाउट। और मैं ये एग्जांपल भी दूंगी, औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, वेदर इट्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एलीट फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, रूरल। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद को जब पूछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज़ की, मलाला को क्या इसके बारे में ऐसी बात हुई आपने किया या उसको एडुकेट किया कि वो इतनी ब्रिलियंट निकली, आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके पर नहीं काटे, आई लेट हर फ्लाई। आप देखें अगर औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ मयसर हो वो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी। और पाकिस्तान की ख्वातीन जो हैं दे आर वेरी टैलेंटेड। और एक और चीज़ आई वांट टू एम्फसाइज, जैसे औरत मार्च जो है हमारा जो होता है वंस अ ईयर फंक्शन होता है और ये पूरे पाकिस्तान में होता है, एक टाइम होता है जब औरतें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। आई फील वेरी स्ट्रांगली कि इसमें मर्दों को भी शामिल होना चाहिए, होते भी हैं मेरे ख्याल से काफी। लेकिन कितनी अफसोस की बात है अरबाब के ये क्राइटेरिया है एटलीस्ट कराची के औरत मार्च के, मर्द नहीं आ सकते जब तक वो दो औरतों के साथ नहीं आए या किसी और के साथ नहीं आए, बिकॉज दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आई मीन हाउ दैट शोज के क्यों औरत मार्च की ज़रूरत है, एंड दैट शोज के क्यों वुमेंस राइट्स की बात आपको करनी चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं जैसे आपने शुरू में कहा बट पूरे साल करनी चाहिए। बिकॉज जब तक एक तो माइंड सेट, जैसे उन्होंने कहा आई टोटली अग्री, माइंड सेट्स ये प्रेवलेंट है थ्रू ऑल क्लासेस। आप देखिए मरियम नवाज़ एन ईजी टारगेट, बेनज़ीर वॉज एन ईजी टारगेट, इट कट्स अक्रॉस ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ एंड डायनेस्टीज़। मर्दों के बारे में ये बात नहीं होती लेकिन ख़वातीन को, अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ख़वातीन को भी अटैक करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वी शुड बी यूनाइटेड एंड ये डिविजन नहीं आना चाहिए ख़वातीन में। दिस इज़ व्हाट आई सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।